सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिम्प्लीफाइड। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो पी आई सी टीम 32 सीट्स वैकेंट। यहाँ पे जाओगे एस पी आई टीम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 23 सीट्स वैकेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 24 सीट्स वैकेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं आई सी टी केमिकल इंजीनियरिंग 18 सीट्स वैकेंट। फिर आगे मूव करते हैं विजेटीआई कंप्यूटर इंजीनियरिंग 21 सीट्स वैकेंट। फिर आगे और मूव करते हैं सीओईपी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 74 सीट्स वैकेंट। सो गाइज इतनी सारी सीट्स इतने टॉप कॉलेज में वैकेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जब कैप राउंड वन चल रहा था ना उस टाइम पे जोसा के 6 राउंड चल रहे थे, 6 राउंड चल रहा था। तो अभी फिलहाल जोसा के सारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए, तो जितने ही बच्चे थे मतलब जिनको विजेटीआई और सीओईपी में कॉलेज मिला था उनको ऑब्वियसली आईआईटी और एनआईटी ट्रिपल आईटीज में भी सीट्स मिली होगी, तो वो लोग आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज को सीट्स को प्रीफर देंगे एज कम्पेयर टू सीओईपी विजेटीआई। तो वो लोग सीओईपी और विजेटीआई को छोड़कर आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पे इसलिए ये सारी सीट्स वैकेंट है, 1000 रुपीज पे नहीं किए, वो लोग बेटरमेंट में गए ही नहीं, तो इसलिए उनकी जितनी भी सीट्स थी वो सारी वैकेंसी में चली गई। इसलिए आप देख सकते हो कि सीओईपी में कंप्यूटर साइंस की 74 सीट्स वैकेंट थी और ऐसे ही टॉप कॉलेजेस में बहुत सारी वैकेंट थी। बट जैसे आप नीचे लोअर कॉलेजेस में जाओगे जैसे डीजे सांगवी हो गया, आपका डीवाई पाटिल हो गया, आपका वीआईटी वीडब्ल्यूआईटी हो गया, तो वहाँ पे बहुत कम सीट्स वैकेंट है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है क्योंकि ये सारे सीईटी के लोग थे, ये सारे सीईटी के बच्चे थे, सब ने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया हुआ है, तो इनकी सारी सीट्स जो थी वो वैकेंसी में गई नहीं। बट ये सीओईपी विजेटीआई के बच्चे सारे जेई के टॉपर्स थे, वो सब निकल गए। अभी जो सीट्स बचेगी अभी नीचे के सारे बच्चे ऊपर आएंगे, मतलब जिसको पीआईसीटी मिला था वो अब विजेटीआई सीओईपी की तरफ आएगा, अभी जिसको VIT मिला था वो PICT की तरफ जाएगा, तो सब बच्चों की ऊपर ऊपर शिफ्टिंग होगी। तो चांसेस है कि आपका भी ऊपर शिफ्ट हो जाए, आपकी ब्रांच ऊपर अपग्रेड हो जाए या फिर आपका कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है। सो अच्छे से कैप राउंड 2 का फॉर्म भरो क्योंकि चांसेस बहुत है अपग्रेड होने के, क्योंकि अभी सब बच्चे ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। सो ये होती है शिफ्टिंग प्रोसेस, आपको मालूम पड़ जाएगा कैप 2 का रिजल्ट आने तक। सो गाइज यही था, बाकी ये वीडियो पसंद आया था गाइज एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बनता है। और गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप एक बार इस चैनल को विजिट करके देखो, चैनल का शॉर्ट सेक्शन जाके देखो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।